अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। न्यूज़ीलैंड के इशू के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, डिफरेंट वीडियो में। आज जिस पे मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था और मैं इसी को टॉपिक बनाना चाह रहा था और मैंने लास्ट वीडियो में इस पर रेफरेंस आपको दिया भी था, वो यही था कि पाकिस्तान और US के इशूज़, इसके अंदर क्या चीज़ें अब तब्दील हो रही हैं, पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मोटिव बनता चला जा रहा है, US इसके अंदर क्या गन डाल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं। US ने किया विड्रॉ अफगानिस्तान से। 20 साल US वहाँ पे मौजूद रहा। जब US ने वहाँ पे हमला किया तब वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कायम थी, तालिबान का वहाँ पे एक समझ लें किंगडम थी, ठीक है, शरिया मौजूद थी। उन्होंने उसामा बिन लादेन का जवाज़ बनाकर हमला किया। हमला करने के बाद उन्होंने तब्दील वहाँ पे सारी सिचुएशन कर दी। वहाँ पे कठपुतली किस्म की गवर्नमेंट आई। कठपुतली किस्म की गवर्नमेंट आ जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, 20 साल जंग जारी रही। ये लोग जो हुकूमत में थे उनको छुपना पड़ा, कुछ कहाँ पे थे कुछ कहाँ पे थे, लेकिन वो बैट द ग्राउंड लड़ते रहे, बैट द डोर वो वहाँ पे मौजूद रहे, ऐसा नहीं कोई वहाँ से भाग गया। जंगें लड़ी उन्होंने 20 साल जंगें लड़ने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ट्रंप एक ऐसा विजनरी लीडर आया US का, जिसने सोचा कि हम क्यों $1 बिलियन ज़ाया कर रहे हैं, हमारा इनसे क्या ताल्लुक है, हम बिज़नेस में क्यों नहीं लगा रहे, हम अपनी इकॉनमी पे क्यों नहीं लगा रहे, वाई वी आर जस्ट पुटिंग एंड थ्रोइंग $1 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान इन अदर कंट्रीज़ वॉर, ठीक है, इराक के अंदर हमने उड़ा दिए, अफगानिस्तान में उड़ा दिए और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये ट्रंप की अपनी सोच थी। उसने इराक से विड्रॉल की बात की, उधर गया, उसने विज़िट किया, काबुल आया, वहाँ पर विड्रॉल की बात की, फिर उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर गए। लेकिन आप जानते हैं कि ये ओबामा लोगों के दौर में या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी मौजूद है कितनी नॉनसेंस गेम प्ले किया है, इन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को सही से लेके चलने के बजाय चीज़ों को इमोशनली लेके चले हैं, और इमोशनली भी इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया ना, इन्होंने टेक्निकली चीज़ों को सोचा और जैसे इनको करना चाहिए था, इन्हें सोचना चाहिए था कि कौन इनका रिलायबल पार्टनर हो सकता है। रिलायबल पार्टनर सोचने के बजाय इन्होंने खित्ते के अंदर बस अपने आप को सुप्रीम बनाने की उस चक्कर में इन्होंने ख़राब कर लिया। अभी देखें, अभी बड़ी एंटोनी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं US सेक्रेटरी ने, वो बहुत बेशर्मी की हैं, वो बहुत अजीब हैं। हम उस पर लास्ट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं इसमें उनको लाजमी काउंट करना चाहता हूँ। देखें, एंटोनी ब्लिंकन ने बातें बोली कि हम देख रहे हैं कि 20 साल की इस जद्दोजहद के अंदर जो उनकी अकॉर्डिंग टू देम जो अमरीका ने 20 साल वहाँ पर जंग लड़ी, उसके अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा था। मतलब भाई आप पाकिस्तान, आप ये मतलब इनका कहने का ये है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बातें उनकी सेनेटर्स से भी निकल के आई हुई हैं, इनकी तरफ से भी निकल के आती हैं, और ये जो ज़बान पे जो वर्ड्स डाले जा रहे हैं उनके, ये ऑब्वियसली बात है ये इंडिया के डाले हुए। लेकिन देखिए, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे अभी भी नेल्सन मंडेला की बात याद है कि सबसे बड़ा मसला जो हम क्रिएट करते हैं ना, जो सबसे एक चीज़ हम अपने दिमाग में बिल्डअप कर लेते हैं, वो ये है कि हम समझते हैं हमारा जो दुश्मन है ना, वो दूसरे मुल्क का भी दुश्मन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये रूल है, लेकिन हमारा दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं है। हम देखें, हम अपने इंटरेस्ट को सोचते हैं, जो हमने पहले नहीं सोचे, हमने पहले अपने इंटरेस्ट नहीं सोचे तो हमने बहुत ज़्यादा मारें खाई, हमने दहशतगर्दी झेली, हमने दुनिया में हमें आइसोलेट होना पड़ा दहशतगर्दी की वजह से, ये देखो दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन हमने उन चीज़ों को काउंटर किया, हम उससे लड़े, हमने गुरिल्ला वॉर लड़ी, मैंने उसको वीडियो भी बनाई है। गुरिल्ला वॉर लड़ने के बाद हमने उसको जल्दी से काउंटर करके हील कर लिया। अब उसके बाद जी एक मुल्क उठ के कहता है जी आपने हमारे साथ ये किया वो किया, देखें हम अपने मुल्क का सोचेंगे, आपका नहीं। वो चौथा मुल्क बैठा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही बोला, देखिए वो चौथा मुल्क बैठा है, हम उस मुल्क की लड़ाई क्यों लड़ें। न्यू मेक्सिको में कुछ हो जाए, न्यू मेक्सिको के अंदर मसला हो रहा है और कैनेडा अमरीका को कहे जाओ भाई तुम लड़ो वहाँ पे, तो अमेरिका नहीं जानता उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अमेरिका पे आएंगे। सर इट्स अ नॉनसेंस गेम, हमारे ऊपर आप थोप रहे हैं ज़बरदस्ती चीज़ें, और फिर स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं CNN का, आप इंटरव्यू सुने वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर, ऐसे लगता है जैसे वो ज़बरदस्ती उनका जो थिंकिंग है वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है उन लोगों के ऊपर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर, कि नहीं यही माने नहीं माने, पर बहुत बहुत प्योरली और बहुत अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको काउंटर किया, और करना भी वैसे ही चाहिए था। एक चीज़ पे तो उन्होंने टोक दिया उसको एंकर को कि बैठ मुझे बात कंप्लीट करने दो, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा नज़र आया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लहजे में कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने HBO को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर PBS को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कहा US रियली मेस्ड अप, फिर लास्ट टाइम मुझे नहीं पता लास्ट भी कुछ था मैंने पढ़ा था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है क्लियर है,
उन्होंने क्लियर बोला है कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन सब मेस्ड अप कर रही है, ये लड़ना चाह रहे हैं, इनसे कुछ इनको हासिल नहीं होगा और आप ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। इतने ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं, कभी ये क्वाड बनाते हैं इंडिया के साथ, क्वाड को दोबारा उठाते हैं, हालांकि क्वाड 2017 में ट्रंप की दौर में शुरू हो चुका था, 2007 के बाद दोबारा, ये नहीं मैं कह रहा। तो उसके बाद फिर इसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी नया ग्रुप इन्होंने बना लिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इन सब के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को उससे निकाल दिया, इंडिया वहाँ पे है नहीं। दे आर रियली मेस्ड अप, दे रियली डोंट नो व्हाट दे आर रियली डूइंग, कंफ्यूज लोग हो चुके हैं अमेरिकन, और अमेरिकन को पता नहीं है कि गवर्नमेंट को इतनी बेकार गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कभी भी अमेरिकन शायद ना देखी हो, देखी होगी, इनसे पहले भी सारी ऐसी आइडियाज़ ये लेते रहे सुप्रीमेसी को ऊपर रख के। लेकिन ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सेनेटर्स कह रहे हैं, कि क्या कर रहा है ये, इमरान खान को फोन नहीं कर रहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस वक्त। इमरान खान साहब भी क्लियर हैं, देखिए उन्होंने CIA का आया तो उन्होंने क्लियर बोला, उन्होंने कहा ना पहले भी आया नहीं, आना है बाइडन बात करे, मेरा जो काउंटर पार्ट है, मेरा जिसका साथ बनता है बात करना, वो मुझसे बात करता है, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन तुमसे बात करना मेरा नहीं बनता। CIA का एजेंट जाके उससे मिला, CIA का चीफ, इस बार अभी दोबारा आया, बाजवा से मिला है हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, फिर उसके बाद ISI के चीफ से ऑब्वियस मुझे नहीं पता शायद मिला हो। तो चीज़ें क्लियर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल इनको ढीला नहीं छोड़ा हुआ, जो जो आ रहा है वो उससे मिले, कोई ये नहीं, यहाँ पे छोटा सा बंदा इनको आ जाता तो इन्होंने धूम मचाई होती थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने पिछले। तो ये चीज़ें थोड़ी दबाव के ज़ुमरे में आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, अमेरिकन बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरीके से दबाव डाला जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। और ये भी बहुत सी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव के तौर पर डाली जाएंगी। आपको पता होगा पाकिस्तान आर्मी वाला जो इन्होंने इम्पैक्ट डाला है चाइल्ड आर्मी वाला, कि पाकिस्तान के अंदर 18 से कम वाले फौजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस है, इसमें तुर्की और पाकिस्तान को डाला गया और क्यों डाला गया हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। वेल, ये सारी सिचुएशंस हो रही हैं और हमें देखना ये है कि ये सिचुएशंस कहाँ जाती हैं, क्या बिल्डअप करती हैं, इसका क्या सिनेरियो बनता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी हालात अमेरिकन ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू इम्पोज सम देयर ऑन फोर्सली आइडियोलॉजीज एंड मैसेजेस एंड देयर थिंकिंग, जो हम वो हम पे ज़बरदस्ती डालना चाहें कि आप ये करें आप ये करें, बट ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब जो भी सोचते हैं सोचें, दे रियली मेस्ड अप इन अफगानिस्तान एंड वो अब ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर थोप दें। उनका क्लियर यही मकसद है कि पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाए कि ये तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा। तो आपका काम था आप न्यूट्रल रहते, आपका काम था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जब प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के अंदर हो रही थी आपने इतनी फौज बिठाई थी, आपका काम था आप न्यूट्रल रहते, आप कहते थे इंडिया जो कर रहा है गलत है, पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप इसके अंदर सबसे बड़े मुजरिम हैं क्योंकि आप थे जो पावर में लेके आए थे अफगान गवर्नमेंट को। वेल, ये सारे ये थोपने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ऊपर आने वाले टाइम में, आपको इसके ऊपर चीज़ें नज़र होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन अल्लाह बेहतर करें पाकिस्तान के लिए। अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ायरावान, अल्लाह हाफ़िज़।